समदड़ी क्षेत्र के सिलोर गांव के ग्रामीणों ने तहसीलदार राकेश जैन को ज्ञापन सौंपकर सिलोर सरपंच बाबू सिंह राजगुरु पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच राजगुरु द्वारा गणेश विसर्जन के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर कोविड-19 से संबंधित सरकार नियमों की धज्जियां उड़ाई है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही सिलोर गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, उसके बावजूद भी सरपंच ने लोगों की भीड़ इकट्ठी कर डाली और माइक पर सभी को बुलाकर 2 किलोमीटर पैदल जुलूस निकाला। इसमें सरपंच ने खुद नाचते हुए सैकड़ों की संख्या में गांव वालों को गांव से लेकर 2 किलोमीटर दूर नाड़ी में गणपति का विसर्जन करवाया। ग्रामीणों ने शीघ्र ही सरपंच पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान पूर्व सरपंच माधु सिंह, टीकम सिंह राजपुरोहित, देवी सिंह, गोविंद सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। कल क्या है कि एकादशी का देव झूलनी गियर्स का मेला था, उसमें डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया और पूरे प्रशासन की धज्जियाँ उड़ाई गई। जो भी कार्यक्रम था 500 से 700 लोग के बीच में सरपंच खुद डांस कर रहा, उनका वीडियो साथ है। तो इस ढंग से अगर धज्जियाँ उड़े तब तो प्रशासक यहाँ बैठे बैठे मौन में बैठे थे, एक भी मौके पर नहीं था और इतना भयंकर मेला था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कल जो देव झूलने 11 थी, उस 11 का हर गांव में पहले भी मेला भरता था और हंसी खुशी के साथ जब देव सो रहे थे तो उनको वापस नहलाने के लिए 11 के दिन हम एक गांव में जुलूस के लिए हिंदू परंपरा के अनुसार आते थे। लेकिन कोविड-19 का जैसे ये कार्यक्रम का था पता चला हमें कि भाई ये बंधन है, नहीं जाना चाहिए, तो देश हित में हम लोगों ने ज़्यादा भीड़ करने की कोशिश नहीं की, लोगों को भी समझाया। लेकिन गाँव के सरपंच बाबू सिंह राजगुरु द्वारा उन्होंने 8 दिन तक तो गणपति बैठा ही रखा और गणपति बैठा कर 8 दिन तक लगातार लोगों की सैकड़ों की भीड़ भेड़ी इकट्ठी करके उन्होंने जो कार्यक्रम करवाया, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई। उसके बाद में उन्होंने कल गांव में माइक घुमाकर आम पब्लिक को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हजारों की तादाद में खुद उनका नेतृत्व करते हुए, जो हजारों की भीड़ में डीजे बैंड बजाते हुए और खुद डांस करते हुए उनका नेतृत्व करते हुए उन्होंने वो सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई। जबकि सिलोर में एक कोरोना पॉजिटिव पहले भी निकला था, इनका एक दायित्व बनता था कि वहाँ पर वो उनको गांव वालों को समझाते सिखाते कि भाई ये कोरोना का प्रकोप है और इसमें आप दूर रखें और इसको एक सामूहिक, जैसे 5 लोग जाते और उनको अपने गणपति जी को हो या ठाकुर जी को हो जिला के स्नान करवा के वापस अपने मंदिर में अपनी जो रस्म थी वो रस्म अदायगी कर देते, जैसा कि हिंदुस्तान में सारी जगह हुआ है। लेकिन हमारे सिलोर में इस कानून की सरासर धज्जियाँ उड़ी है और उनके लिए हम प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए थे कि भविष्य में इस तरह की कोई हरकत नहीं हो और गांव का माहौल बना रहे और गांव में ये कोविड जो फैले नहीं है, कोरोना फैल रहा है, इस कोरोना को फैलने से रोकने के लिए और ऐसे दोषियों के खिलाफ क्या पता कितने हजारों लोगों को ये कोरोना हो जाएगा, उनके बसाव के लिए हम इनको ज्ञापन देने के लिए प्रशासन को आए थे